Hello everyone, so welcome back to the Unacademy JEE YouTube channel. Myself Paaras Thakur and today we are going to continue our journey of bowl concept. So, today we will start lecture 4. Okay? And anybody, abhi jitne bhi bachche online aa gaye hain, agar kisi ne bhi subscribe nahi kiya, then please subscribe. And aapko main timing fir se bata deta hun ki 7 to 10 p.m. Physics, Chemistry, Math, teenon ke live sessions rahenge. Monday, Tuesday, Wednesday, it is class 11. And Friday, Saturday, Sunday, it is class 12. Thursday ko, it will be something new for you based on your demands aur kuch naya jo hum kar sakte hain. Fine. To, baaki ki zyada introduction dene ki, I think, zarurat nahi hai. You will come to know in the lecture ki kaisa aapko lag raha hai. So, chaliye start karte hain lecture 4 ke saath. And before that, abhi Telegram app pe aise kaafi bacche join kar chuke hain, but still, अभी और भी बच्चे आना बाकी हैं तो जिन्होंने अब तक टेलीग्राम ऐप पे कनेक्ट नहीं किया है अनअकैडमी जेई टीम के साथ प्लीज डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप ऑन ए मोबाइल फॉलो दिस यूआरएल tinyurl.com/jeelivechat इन द ब्राउजर सेक्शन में आपको ये टाइप करना है एंड यू विल डायरेक्टली ज्वाइन द ग्रुप ओके एंड दिस वन थिंग बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर अनअकैडमी प्लस क्या है How it is different from जो आप YouTube पे कर रहे हो इन दोनों में difference क्या है which is better इस तरह के काफी queries आ रही हैं तो just wanted to clear on that कि YouTube पे जो हम कर रहे हैं we will be providing the complete syllabus theory problem practice everything will be there but Unacademy Plus is a product of Unacademy और YouTube हमारा product नहीं है तो YouTube पे we cannot do a lot of things ठीक है यहाँ पर बहुत सारी limitations हैं तो Unacademy Plus पे आपको क्या मिलता है आपको additional test मिलते हैं वीकली क्विज मिलते हैं डेडिकेटेड डाउट सेशंस हैं वी ऑल टीच ऑन अनअकैडमी प्लस तो वहां पे आप डायरेक्टली हमारे साथ लाइव क्लासेस हमारी वहां पे चलती हैं डेडिकेटेड डाउट सेशंस वहां पे रहते हैं तो इट इज मोर पर्सनलाइज यू गेट मोर टाइम विद द एजुकेटर्स एंड देयर यू हैव 36 प्लस एजुकेटर्स इन द आईआईटी सेक्शन तो जेई कैटेगरी में अगर आप देखेंगे 36 प्लस एजुकेटर यार बहुत होते हैं यू कैन अटेंड एनीवनस कोर्स किसी का भी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आई थिंक 10 प्लस एजुकेटर्स हैं आपको किसी का भी कोर्स अच्छा लगे आप अटेंड करो आपका कोई चैप्टर छूटा हुआ है समबडी इज रनिंग अ कोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर चैप्टर आप वो अटेंड करो आप पूरा दिन देखो देयर इज नो लिमिट टू दैट तो आपको क्या करना है अनअकैडमी प्लस पे जाना है तो प्लस पे जब आप क्लिक करेंगे यू विल गेट समथिंग लाइक दिस तो आपको आईआईटी जेई कैटेगरी पे क्लिक करना है ठीक है आफ्टर दैट आ जाएगा कि सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या क्या है गेट सब्सक्रिप्शन तो ये सब्सक्रिप्शन क्या है इट इज अ पेड थिंग बट द चार्जेस आर वेरी 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 नॉमिनल मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि जहां पर आप प्रीमियम कोचिंग इंस्टीट्यूट में यू हैव टू स्पेंड मोर देन अ लाख रुपी जस्ट ऑन द फीस यहां आई थिंक आपका जो मंथली कम्यूट का खर्चा है जाने आने का उसी में आपका यहां पे सब्सक्रिप्शन कॉस्ट कवर हो जाता है तो एनुअल सब्सक्रिप्शन की अगर आप बात करें तो दैट इज जस्ट फॉर रुपीज 25,000 एनुअल तीनों सब्जेक्ट आपके कवर हो रहे हैं पीसीएम आपको लाइव सेशन मिल रहे हैं अगर आप कोई सेशन मिस कर देते हैं यू गेट द एक्सेस टू रिकॉर्डेड सेशन यस यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड सेशन अगर आप लाइव सेशन मिस कर देते हो डेडिकेटेड डाउट क्लास होती है एवरी फोर्थ क्लास इज ऑलवेज अ डाउट क्लास फाइन और इस 25,000 में भी इफ यू अप्लाई दिस कोड जेई लाइव ठीक है परचेज करने से पहले देन यू गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट तो ये उनके लिए जिनको खरीदना है मतलब जिनको है कि सर हमें कोचिंग तो ज्वाइन करनी थी समवेयर वी हैव टू लाइक हमें सब कुछ चाहिए हमें टेस्ट सीरीज भी चाहिए हमें ज्यादा टाइम चाहिए हमें डेडिकेटेड डाउट सेशन चाहिए क्विज चाहिए सब कुछ चाहिए तो ये उनके लिए हु वॉन्ट टू स्पेंड फाइन और जिनको है कि सर हम नहीं अफोर्ड कर सकते यार नहीं करना है तो हम यूट्यूब पे तो कर ही रहे हैं तो आई होप कि अनअकैडमी प्लस का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा हम लोग ही वहां पर भी पढ़ा रहे हैं हम लोग यहां पर भी पढ़ा रहे हैं फाइन चलिए तो दिस इज द रेफरल कोड If you want to join और अगर आप किसी को refer भी करना चाहते हैं somebody wants to really join और उसको proper तरीके से पूरा साल prepare करना है then use this code JEE Live and get 10% off fine चलिए let's continue with the discussion तो last class में I was about to start with the empirical and molecular formula देखो molecular formula आपको पता ही है molecular formula आपको क्या बताता है it gives you the actual number of atoms in a molecule like H2SO4 है तो H2SO4 की अगर हम बात करेंगे तो H2SO4 में दो हाइड्रोजन है एक सल्फर है चार ऑक्सीजन है बेंजीन की बात करेंगे ठीक है तो बेंजीन में क्या है C6H6 छह कार्बन है छह हाइड्रोजन है ठीक है अगर आप बात करते हैं ग्लूकोज की C6H12O6 ये इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम आपको बताता है बट इफ यू टॉक अबाउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बोलता है बेटा उसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में ले आओ जैसे C6H12O6 में वी कैन टेक 6 कॉमन राइट तो उसको हम 6 से डिवाइड कर दें तो C1
CH2O1, तो यह रहेगा CH2O. That is the empirical formula, simplest whole number ratio of atoms. दूसरी बात करें C6H6 की, तो यहां पर भी 6 को आप common ले सकते हो, तो it becomes CH, then CO2 already it is in the simplest ratio, तो ये CO2 ही रहेगा. CH3COH, कार्बन दो हैं, तो it is actually C2H4O2. C2H4O2 में 2 common आ जाएगा, तो ये आ जाएगा CH2O. एम्पिरिकल फॉर्मूला C2H6 में 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो CH3, तो ये हो गए एम्पिरिकल फॉर्मूला. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना ऐसे तो बहुत आसान है, आप इजीली निकाल लोगे. तो एक चीज आपने ध्यान दिया होगा कि एम्पिरिकल फॉर्मूला, अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकालूं, मतलब इसका मास निकालूं, तो दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास. इसका अगर मैं मास निकालूं तो वो क्या आएगा, एम्पिरिकल मास. ठीक है, मैंने यहां पर कॉमन क्या लिया था, 6. तो एम्पिरिकल मास को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ये आ जाएगा. तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरा मॉलिक्यूलर वेट होता है, दैट इज एक्चुअली n टाइम्स एम्पिरिकल वेट. अब ये n क्या है, आपने कॉमन क्या लिया था, दैट विल वेरी केस टू केस, बट वो n रहेगा. तो आगे की प्रॉब्लम्स में हम उसको यूज करेंगे. तो एक मिनट, लेट मी सी द कॉमेंट्स. हेलो एवरीवन, तो आई होप आप सबको मजा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा. आज की क्लास में मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाला हूं, बिकॉज वी आर गेनिंग पेस. ठीक है, एंड यू विल सी, हम बहुत सारे IIT के क्वेश्चन भी करेंगे, हम JEE मेन के क्वेश्चन भी करेंगे. इट इज गोइंग टू बी ग्रेट. या और अभी तक किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू इट द लाइक बटन. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अ सिंपल क्वेश्चन, जिस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आएगा, स्कूल के टेस्ट में भी आ सकता है, फाइनल एग्जाम में, मतलब JEE मेन में आ सकता है, मतलब उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, पर फिर भी आ सकता है. एंड यू शुड नो दिस, बिकॉज दिस इज द बेसिक पार्ट. देखिए, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन. सबसे पहले ये एंश्योर करना है दे ऑल मेक 100, मतलब तीनों को ऐड कर दिया, अगर आपने जो भी डेटा दिया, दे शुड मेक टोटल 100%. फाइन, तो परसेंटेज आपको दिया हुआ है. नाउ इट्स अ परसेंटेज का मतलब क्या है, कि अगर मैं 100 ग्राम सैंपल लूं उस कंपाउंड का, देन आई विल गेट 4.07 ग्राम हाइड्रोजन, 24.27 ग्राम उसमें कार्बन होगा और 71.7565 ग्राम उसमें क्लोरीन होगी. नाउ इट्स द मोलर मास इज गिवन 98.96 ग्राम मोलर मास. ओके, व्हाट आर द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज. तो अब देखते हैं कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ कैलकुलेटिंग द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है, सिंपल सा ये सीक्वेंस है, यहां पे आपको क्या करना है, एक टेबल सा बनाना है. सबसे उसमें पहली चीज क्या है, हम 100 ग्राम कंपाउंड मान के चल रहे हैं, क्योंकि 100 परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैं 100 ग्राम ले लूंगा तो वही कि 4.07 ग्राम उसमें हाइड्रोजन आ जाएगा. राइट, तो यहां पर हमने सबसे पहले मेंशन किया एलिमेंट, हाइड्रोजन कार्बन क्लोरीन, ये तीन एलिमेंट्स मेरे पास है. देन देयर परसेंटेज मेंशन कर दी. उसके बाद अब अगर मैं 100 ग्राम मान के चलाऊं तो उसमें ये 4.07 ग्राम हो गया ना, ये तो अमाउंट आ गया उसका, तो अमाउंट को मैं उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे. तो 4.07 डिवाइड बाय हाइड्रोजन का कितना होता है 1.008, उसको 1 ही ले लो यार, सीधी बात है 4.04 आ गया. कार्बन के लिए 12 है तो 24.27 डिवाइड बाय 12, तो मतलब एलिमेंट लिखना है, फिर परसेंटेज लिखनी है, फिर उसको डिवाइड करना है उसके एटॉमिक वेट से, ये आ गया. अब ये जो आपके पास एटॉमिक वेट से डिवाइड करने के बाद रेशियो आई, इनमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे सबको डिवाइड कर देना है. तो स्मॉलेस्ट इज 2.02, तो उससे अगर आप डिवाइड करेंगे तो पहला आ जाएगा आपके पास 2 और ये दो तो आ जाएंगे 1 1, तो ये आपके पास आ गई सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 2 1 1, मतलब दैट इज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला. वो जो आपके पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गई, दैट इज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 2 है, ठीक है, कार्बन के रिस्पेक्ट में 1 है, तो CH2Cl. अब एम्पिरिकल फॉर्मूला जब आ गया तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग आप एम्पिरिकल मास भी निकाल सकते हो. कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन 2 है तो 2 आ गया, क्लोरीन के लिए 35.5, ये आ गया इसका एम्पिरिकल मास. अब मैंने कहा था कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एन टाइम्स एम्पिरिकल मास. देखो मॉलिक्यूलर मास इज 98.96, तो दिस मस्ट बी एन टाइम्स दिस एम्पिरिकल मास 49.5. अब देख लो N is 2, N 2 है, इसका मतलब हुआ एम्पिरिकल फॉर्मूला को मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो C2H4Cl2, that is the molecular formula.
बस ये आपको टेबल बनाना है, ये इसी सीक्वेंस में बनता है, ऐसे बनता है. सो वेरी सिंपल सिंपल क्वेश्चन. तो आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम आनी चाहिए. या ओके, इज इट फ्रॉम एनसीईआरटी? आई डोंट नो, मे बी इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी, मुझे इतना याद नहीं है अभी. ठीक है. एंड कफिल अख्तर इज आस्किंग अनअकैडमी प्लस में रिकॉर्डेड वीडियोज मिलेंगे? यस, जो भी सेशन होता है ठीक है वो रिकॉर्ड हो रहा है. जैसे आपने एक कोर्स में एनरोल कर लिया है, अब उसकी क्लास अगर आप अटेंड नहीं कर पाए लाइव, तो इट विल बी रिकॉर्डेड एंड यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड सेशन लेटर. और उसमें अगर कोई डाउट हो तो यू कैन कम बैक इन द डाउट क्लास और वहां पे आके पूछ सकते हो. देयर इज अ डिस्कशन फोरम, यू कैन पोस्ट योर डाउट्स वहां पर, अपने आप डाउट्स इमेजेस पोस्ट कर सकते हो एंड दे विल बी डिस्कस्ड इन द डाउट क्लास. ओके, यस आई एम वेरी श्योर बिकॉज आई एम टीचिंग ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म फॉर लाइक 2 months नाउ. ठीक है, मोर देन 2 months. ठीक है, चले गाइस नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, देखो दिस क्वेश्चन, तो प्लीज गिव इट अ क्विक रीडिंग, एक बार ध्यान से इसको पढ़ लो और फिर समझ लो, अपने माइंड में एक बार क्लैरिटी ले आओ कि पहले हम ये स्टेप करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे. बिकॉज आज के सेशन में आई हैव टू लाइक थोड़ा सा फास्ट चलना है. आई वॉन्ट टू कवर मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम टूडे. ठीक है, तो प्लीज गिव इट अ क्विक रीडिंग. या शिवांश इज हेयर, ग्रेट. मतलब शिवांश इज हेयर, ही इज ऑलरेडी ऑन अनअकैडमी प्लस. तो ठीक है, यस यू कैन आस्क, उसने भी कंफर्म भी कर दिया. ओके, मोल कॉन्सेप्ट पे कितने लेक्चर्स होंगे? गाइज लुको, आई कैन नॉट बी 100% श्योर बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द क्लास कि कितना स्पीड पे हम जा रहे हैं. बट दिस इज 4th लेक्चर, तो आई थिंक अभी या 4 लेक्चर तो और लग ही जाएंगे. ठीक है, आई गेस के 3 से 4 लेक्चर मैक्सिमम लेके चल रहा हूं बिकॉज आई विल बी डेडिकेटिंग अ पर्टिकुलर क्लास ओनली फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर जेई मेन क्वेश्चन. प्रीवियस ईयर जेई मेन, जेई एडवांस के क्वेश्चन के लिए मैं एक डेडिकेटेड क्लास रखने वाला हूं. फाइन, ठीक है. तो इसमें क्या करना है, हमें सेम काम करना है. यहां पे 20% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन, 46.67% नाइट्रोजन. तो परसेंटेज उनकी ली, अटोमिक रेशियो डिवाइड बाय अटोमिक वेट किया, अटोमिक रेशियो आ गई. उसमें से जो मिनिमम वैल्यू थी 1.66, इससे सबको डिवाइड कर दिया. उसके बाद अगर आपके पास जो रेशियो आ रही है, अगर वो होल नंबर में है तो ठीक है, 1421, मतलब कार्बन 1H4, तो ये आ गया CH4N2O. ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला ये आ गया, एम्पिरिकल मास आ गया 60. तो उन्होंने क्या बोला हुआ है, मॉलिक्यूलर मास भी 60 बोला है. तो मतलब ये एम्पिरिकल फॉर्मूला ही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है. ठीक है, तो आई थिंक दैट इज प्रीटी सिंपल, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा. और अच्छा एक चीज मुझे बताओ कि आप लोगों में से कितनों ने, ठीक है इट्स अ क्विक फीडबैक, कितनों को सेशन लग रहा है कि दिस इज द बेस्ट वी कैन गेट? कहीं भी अगर आप एकेडमी से कंपेयर करें, स्कूल से कंपेयर करें, कहीं पर भी, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री ऑन दिस कि दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन गेट ऑन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अनअकैडमी प्लस पे, सॉरी अनअकैडमी जेई चैनल पे? या वेटिंग फॉर योर फीडबैक. चलिए अब नेक्स्ट इज फॉर एनी जनरल बैलेंस्ड इक्वेशन. कोई भी अगर जनरल बैलेंस्ड इक्वेशन अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी बी गिव्स यू सी सी प्लस डी डी, बैलेंस्ड इक्वेशन की जरूरत क्यों है? बैलेंस्ड इक्वेशन की जरूरत इसलिए कि जब भी आप मोल कॉन्सेप्ट सॉल्व करोगे, इफ द इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड यू कैन नॉट यूज द मोल कॉन्सेप्ट. ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट आता है फिर, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट या फिर पीओएसी कॉन्सेप्ट, जहां पर आपको बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती. बट अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट का फंडा अप्लाई करना है तो फर्स्ट यू नीड टू बैलेंस द इक्वेशन. तो अगर आपके ये एक बैलेंस इक्वेशन है, देन यू कैन राइट कि मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय इट्स, दिस इज कॉल्ड स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशियंट. ठीक है, क्या होता है ये, स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशियंट. ठीक है, यू कैन राइट लाइक दिस, स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशियंट. फाइन, तो इसका ए है, ये बी है, ये सी है, डी है. तो मोल्स ऑफ कैपिटल ए डिवाइड बाय इट्स स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कैपिटल बी अपॉन इट्स स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. तो इस तरह से आप लिख सकते हो. इसका बेनिफिट क्या है, अगर मैं ए और बी को ही कंपेयर कर रहा हूं, मुझे मोल्स ऑफ कैपिटल ए निकालने हैं, तो क्या होगा, मोल ऑफ कैपिटल बी अपॉन बी और ए को वहां ले जाऊंगा, तो ये स्टोकियोमेट्री तो मुझे पता होगी. फॉर एग्जाम्पल आई राइट 2A प्लस 3B
gives you some product, I am not interested in कि वो product क्या है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि mole of A divided by 2, mole of capital A divided by 2 is equal to mole of capital B divided by 3, बस, तो मेरे पास जो भी given data होगा, कि A का weight दिया हुआ है, या B का weight दिया है, I can use that data to find जिसके भी number of mole होंगे, किसी एक के तो पता होंगे, दूसरे के automatically we can calculate, ठीक है, चलिए तो ये part clear है, ओके बच्चे पूछ रहे हैं देखो बेटा आप क्या बुक रेफर करते हो द थिंग इज कि यू शुड बी वेरी गुड एट द कॉन्सेप्ट अगर आप किसी भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फालतू तो किसी में नहीं दिया होता रेलेवेंट क्वेश्चन ही होते हैं बट ये देखना होता कि कितने रेलेवेंट है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो सबसे अच्छी बात वो है आपको ये एग्जैक्टली पता लगेगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था वो अगर आपसे सॉल्व हो रहा है प्रीवियस ईयर अगर आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक ठीक है तो ये बहुत फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए बुक्स के और वो जुगाड़ से नहीं होने चाहिए वो प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से सॉल्व होने चाहिए ठीक है तो आई थिंक ये बात क्लियर है एंड प्लीज वन थिंग मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा स्पैमिंग मत करना एक ही मैसेज को रिपीट करके मतलब कॉपी पेस्ट मत करो बिकॉज अदरवाइज यू विल बी रिमूव्ड ठीक है तो प्लीज प्रिवेंट स्पैमिंग स्पैमिंग इज नॉट गुड फॉर केमिस्ट्री ठीक है देखिए अब सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ CH4 तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर कंबशन है हमारे पास यहां पे करना है हमें तो कंबशन के लिए इक्वेशन हम लिखेंगे CH4 गैसेस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है सारा का सारा कार्बन जब भी कंबशन होता है इट गेट्स कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन से बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सारा हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है वाटर में चार हाइड्रोजन है तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगा 2H2O ठीक है अब वो लिक्विड फॉर्म में तो ऑब्वियसली नहीं आएगा आप उसको कंबशन हो रहा है तो ऑब्वियसली वेपर ही बनेंगे उसके ये आगे इक्वेशन ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है क्या ऑक्सीजन कितना है वहां पर टोटल 4 एटम्स हैं तो यहां पर आ जाएगा ये 2O2 नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन अब बैलेंस्ड इक्वेशन का इसका मतलब क्या है दिस इंडिकेट्स कि इसका एक मोल CH4 का एक मोल रिक्वायर्स 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन इसके एक मोल को ऑक्सीजन के 2 मोल चाहिए तब जाके एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस और 2 मोल वाटर यहां पे बनेगा ये ठीक है अब एक मोल तो ये तो आ गया मोल में अगर इसको हम वेट में लें तो एक मोल का वेट कितना होता है 16 ग्राम मतलब इसके 16 ग्राम ऑक्सीजन का एक मोल कितना होता है 32 तो 2 मोल कितना रहेगा 64 ग्राम तो इसके 16 ग्राम को इसके 64 ग्राम रिक्वायर्ड है एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 44 ग्राम और 2 मोल वाटर दैट इज 36 ग्राम ये तो बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम CH4 तो 16 ग्राम ही पूछ भी रहा है दैट इज वेरी सिंपल तो 16 ग्राम से वाटर कितना बना 36 कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा 44 ऊपर से अगर वो वॉल्यूम में पूछे गैसेस के लिए वॉल्यूम भी तो होता है ना अगर वो एसटीपी पे बात कर रहा है कि एसटीपी पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा तो यू कैन से कि भाई एक मोल बनेगा और एक मोल का मतलब होता है 22.4 लीटर तो उस टर्म में भी आप बता सकते हो तो बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद आप मोल में रिलेट कर दो उसको और या अमाउंट में रिलेट कर दो वेट के अकॉर्डिंग रिलेट कर दीजिए दैट इज डन वो हो जाएगा ठीक है चलो तो गाइज या आंसर काफी ने दे दिया है गुड़िया दिस इज अ क्लास ऑफ किसके क्लास है ये मोल कॉन्सेप्ट क्लास 11th तो 11th के लिए बिल्कुल फंडामेंटल स्टार्टिंग से हम चल रहे हैं मैं स्पीड से नहीं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल बेसिक लेवल से आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी मोल ऑफ CH4 इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन ये उसी के ऊपर बेस्ड है जो अभी हमने किया तो आई गिव यू 20 seconds प्लीज कम अप विद द आंसर एंड यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग लिखना कुछ भी नहीं है यू हैव टू सॉल्व इट इन द हेड ठीक है दिमाग में सॉल्व करना है इसको ओरली फास्ट ओके तो थैंक यू आकाश
गाइज मुझे बताओ, पहली बात है तुम लोग शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है? बिकॉज लाइव क्लासेस हैं, आई थिंक दीज आर इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है? तो शेयर कर दिया करो एंड डू टेल योर क्लासमेट, सबको बताओ कि वी आर डूइंग लाइव क्लासेस हियर एवरी डे. यस, चलो आंसर्स आ रहे हैं और आंसर सही भी आ रहे हैं. तो अभी जो हमने कवर डिस्कस किया था कि 16 ग्राम से आपको 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, तो आपको चाहिए 22 ग्राम. तो सीधी सी बात है, हाफ मोल, तो उसके लिए इसका भी हाफ ही मोल चाहिए, तो 8 ग्राम आएगा. तो आंसर इज 8 ग्राम मिथेन इज रिक्वायर्ड. सिंपल सा क्वेश्चन था, फाइन. तो यहां पर आंसर आ गया 8 ग्राम मिथेन रिक्वायर्ड. ठीक है, मैं सिंपल सिंपल चीजें इसलिए करवा रहा हूं बिकॉज आई डोंट वांट टू स्किप एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. हर एक वैरायटी आपको पता होनी चाहिए. स्लोली एंड स्टेडली वी विल मूव ऑन टू सम टिपिकल क्वेश्चंस एज वेल. देखिए, चलिए क्वेश्चन आ गया. 367.5 ग्राम KClO3 जिसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है 122.5 इज हीटेड टू प्रोड्यूस KCl एंड O2. फाइंड द अमाउंट ऑफ KCl एंड O2 प्रोड्यूस. ठीक है, चलिए लेट सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व. सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि KClO3 डिसोशिएट कैसे करता है, राइट? आप KClO3 को हीट कर रहे हो, वो टूटेगा, वो KCl प्लस O2 बना रहा है, ये भी दिया हुआ है, प्रोडक्ट भी दिए. यू जस्ट नीड टू बैलेंस द इक्वेशन. KClO3 गिव्स यू KCl प्लस O2, बैलेंस करो. बैलेंस करने के बाद सोचो कि क्या हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में. ठीक है, ओके, सुधा इज हियर. ठीक है, आई ट्राई टू बी लाइक मेंटेनिंग बोथ लैंग्वेजेस हियर. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज वी आर गिवन 367.5 ग्राम KClO3. इट इज हीटेड, सो देयर इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन एंड इट प्रोड्यूसेस KCl प्लस O2. सो यू नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल द बैलेंस्ड इक्वेशन, दैट KClO3 गिव्स यू KCl प्लस O2. सो व्हाट इज द बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट इट डाउन, देन try to relate the reactants and the products and find the amount of KCl and O2 that are produced. ठीक है, चलिए तो दोनों languages में try करते हैं. ठीक है, देखो तो first of all 2KClO3 gives you 2KCl plus 3O2. then तो इसमें balanced equation है ये, this is a balanced equation. अब balanced equation में You can clearly see के 2 mole KClO3 give you 2 mole KCl and 3 mole O2. Grams में इसको आप अगर convert कर लें, if you convert it in grams, then 2 into 122.5 gram gives you 2 into 74.5 gram. 74.5 is the molar mass of KCl. 122.5 is the molar mass of KClO3. और O2 का molar mass है 32, तो यह आगे 3 into 32, तो mass में भी relate कर सकते हैं. तो 122.5 ग्राम KClO3 gives you 74.5 ग्राम KCl. तो 367.5 ग्राम KClO3 कितना देगा? That is answer. तो KCl निकल गया. Similarly, 367.5 ग्राम, अब इतना KClO3 इतना ग्राम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, तो 367.5 ग्राम कितना देगा? That you can calculate. It's a simple question. Fine. तो I think this is clear. Yeah, Pranav Raj, yes, answer is correct. Yes, Anil, Akash, that's the thing. You guys need to share, you need to spread the word. ठीक है, because the effort I can put into this thing is, मैं क्या कर सकता हूं, मैं आपको अच्छी quality education ensure कर सकता हूं, कि मैं जो पढ़ाऊंगा, that is going to be the relevant thing, it is going to be very, very good for you. आपकी पूरी प्रिपरेशन जाएगी, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट स्प्रेड करना दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड आई कैन सी राइट नाउ वी हैव अराउंड 50-55 लाइव कैंडिडेट्स. अगर हर एक बच्चा अगर 4 या 5 अपने फ्रेंड्स को भी बताता है, आई एक्सपेक्ट के आप सभी एक क्लास में तो पढ़ते नहीं हो, ठीक है, कि सर हम ही हैं, हम एक ही क्लास के हैं, ओके, तो एवरीबॉडी इज होपफुली फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन. तो हर एक बच्चा अगर अपनी क्लास में 5-10 बच्चों को भी बता देगा, तो इट कैन डेफिनेटली राइज एक्सपोनेंशियली, और दैट गिव्स अ ह्यूज लाइक सभी को बहुत मतलब अच्छा लगता है जब क्लास एक बड़ी होती है, वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ व्यूज, किसी के डाउट किसी आ रहा है, तो बहुत सारे बच्चों के व्यूज होते हैं, और उससे काफी लाइक प्रोडक्टिव रहता है सेशन. We discuss on a lot of new things.
ऐसे डाउट्स जो किसी एक ने पूछे हैं पर बहुतों का डाउट उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज वाई यू गाइज नीड टू प्रमोट इट। चलिए, तो आई थिंक दिस इज क्लियर, प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। नाउ कैलकुलेट द मास ऑफ KCl3 दैट विल लिबरेट 11.2 लीटर O2 एट NTP। आई वॉन्ट यू गाइज सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इन योर हेड, ओरली सॉल्व करना है, क्योंकि अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया वो आपको मैंने पूरा डिटेल में समझाया। अब उसी क्वेश्चन को दैट वॉज सब्जेक्टिव, अब उसी क्वेश्चन को मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको दे रहा हूं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एग्जाम। इन्फॉर्मेशन इज सेम बट द वे इट इज आस्क्ड इज अ लिटिल डिफरेंट, ठीक है। सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड माई मार्कर, या मिल गया। यस नेहाल, राजंकर, नितेश, थैंक यू। रायन इज सेइंग सर एलन के पेपर में 70 मार्क्स आए केमिस्ट्री में, सो प्लीज हेल्प अस केमिस्ट्री में लास्ट मोमेंट पे कैसे 130 प्लस। गाइस देखो, केमिस्ट्री में लास्ट मोमेंट पे इफ यू वांट, मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर करो, अगर आप एम्स की तैयारी कर रहे हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो, आप नीट के लिए कर रहे हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो, नीट के लिए भी एम्स के ही कर लो प्रीवियस ईयर, 25 ईयर्स की बुकलेट मिलती है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, उससे बेटर कलेक्शन इस मोमेंट पे नहीं मिलेगा। आप इंडिविजुअल चैप्टर कवर करने की ट्राई करोगे तो दैट विल नॉट, उससे पूरा सिलेबस नहीं कर पाओगे ना हर एक चैप्टर वाइज। सो इट्स बेटर डू मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट दो, सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर पेपर करो, ठीक है। ओके अतुल, ग्रेट, दैट्स वेरी वेरी इंस्पायरिंग कि आपका फर्स्ट और बेस्ट क्लास है, ठीक है, चलो आई एम हैप्पी टू नो दैट। ओके शिवांश, क्या पूछ रहे हो बेटा? देखो तो जल्दी से इसको मैं डायरेक्टली समराइज अगर करूं तो बेटा आपने क्या देखा था, 2KClO3 gives you 3O2, ये किया था ना हमने, 2KClO3 gives you 3O2, तो इसके 2 मोल उसके 3 दे रहे हैं, राइट, 3 मोल्स। तो देखो 3 मोल का मतलब है 3 × 22.4 लीटर, मुझे कितना चाहिए 11.2, तो 11.2 करने के लिए मैं इसको किससे डिवाइड करूं, 6 से डिवाइड कर दूं, इफ आई डिवाइड इट बाय 6 आई गेट 11.2। तो बेटा 3 × 22.4 दो मोल से आ रहा था, उसको जब मैंने 6 से डिवाइड किया तो मैं इसको भी तो 6 से डिवाइड करूंगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2/6 मोल, दैट इज 1/3 मोल, ठीक है, 1/3। तो 1/3 का मास कितना होगा, 1/3, और उसका मोलर मास है 122.5, तो डायरेक्टली आ गया ना, 122.5 का 1/3 कितना होगा, रफली 40.8, तो आंसर आ गया। तो क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव में आते हैं दे आर नॉट वेरी कैलकुलेशन इंटेंसिव, कैलकुलेशन ऐसी होती है कि थिंग्स गेट कैंसल्ड वेरी इजीली, आपको जस्ट फंडा समझना है कि आई हैव टू फॉलो दिस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, एंड कैलकुलेशन में ज्यादा फालतू का कचरा नहीं होता है, ठीक है, दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नेहाल, अगर आप पब्लिकेशन की बात करो तो वी आर वेरी सून, अच्छा मेरे को बताओ कि कितने बच्चे देखना चाहेंगे अ वीडियो जहां पे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स की, कि अगर आप क्लास 11th में हैं, आप क्लास 12th में हैं, तो कौन कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री में, तीनों में टेक्स्ट बुक कौन सी होगी, मतलब कौन सी अच्छी हैं, मैं नहीं बोल रहा आप वो लो, पर कौन सी अच्छी हैं, रेफरेंस बुक कौन कौन सी अच्छी हैं, तो हाउ मेनी ऑफ यू वांट अ वीडियो ऑन दिस, कौन सी बुक्स नीट JEE सबके लिए, कौन सी बुक्स, ठीक है, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। ओके आदित्य, यू आर इन 12th, लेकिन मेरा 11 जरा कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो बेटा, जस्ट कीप वॉचिंग द लेक्चर्स, लाइव क्लासेस अटेंड करते रहो एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर, ठीक है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। चलो जल्दी से गिव मी दैट फीडबैक एंड दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन आई हैव फॉर यू, ठीक है, टेक 40 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ लो एंड सॉल्व करो। ओके या 1 सेकंड, ठीक है आई एम रिपीटिंग द पीछे वाले का सॉल्यूशन। देखो सिंपल सा फंडा ये था, बैलेंस्ड इक्वेशन में 2KClO3 3O2 दे रहे थे, ठीक है, तो वही मैंने आगे लिखा कि 2KClO3 3O2 दे रहे हैं, 3O2 का मतलब वो 3 मोल,
एक मोल में वॉल्यूम कितनी होती है 22.4 लीटर, तो 3 into 22.4 लीटर मुझे चाहिए 11.2 लीटर। तो मैं अगर इस अमाउंट को 6 से डिवाइड कर दूं तो ये जो 2 मोल थे ये भी 6 से डिवाइड हो गए, तो 2/6 1/3 मोल, 1/3 मोल का वेट कितना आ गया मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, तो ये आंसर है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन जल्दी से। ओके गाइज, तो आप लोगों ने बोल दिया है कि आपको बुक्स वाला वीडियो चाहिए, तो ठीक है बुक्स वाला वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। बट अब रिक्वायरमेंट उसके लिए क्या है, रिक्वायरमेंट ये है यू गाइज नीड टू स्प्रेड दिस। ठीक है, मतलब अब देखो अरे आप 50 बच्चे देखोगे यार बुक्स वाला वीडियो, सिर्फ 50 को पता लगेगा तो कैसे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बिल्डअप। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारे पास एलिमेंट है जो दो आइसोटोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है विद द मास नंबर A-1 एंड A+3। नाउ इफ द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज फाउंड टू बी A, देन द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द हैवियर आइसोटोप इन द नेचर विल बी। मैं इसको आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, बट चलो मान लेते हैं जो आपका A-1 है, ठीक है, और आपका A+3 है। अब इनमें से एक्स टोटल 100% से मान लो ये एक्स है, ये एक्स परसेंटेज है, तो उसकी परसेंटेज कितनी आ जाएगी 100-X%, ये आएगा। अब इसका एवरेज मास इन्होंने ऑलरेडी ए दे रखा है, तो एवरेज मास का फॉर्मूला क्या होता है A1X1+A2X2, तो इसका वेट कितना है A-1 into X + A+3 into X डिवाइड बाय टोटल परसेंटेज कितनी है 100। इसको सॉल्व कर लो एक्स निकल जाएगा, ठीक है, तो A-1, तो इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75%। एक्स आ गया 75%, तो हमें क्या चाहिए था हैवियर आइसोटोप कितना होगा, अरे वो तो ये A+3 वाला है, तो 100-X दैट इज 25%, तो आंसर आ गया आपका 25%। अब इसको सॉल्व करने का एक और सिंपल सा तरीका भी है जहां पर हम दिमाग लगा के कर सकते हैं, वी डोंट हैव टू कैलकुलेट। देखो A-1 से A+3 में कितने पॉइंट्स आए, 4, मतलब A-1 में 1 ऐड करोगे तो A होगा, फिर 3 ऐड करोगे तो A+3 आएगा, तो मतलब हमारे पास टोटल 4 पॉइंट्स हैं। ओके, ये आपका आ गया A-1, ये आ गया आपके पास A+3। अगर दोनों 50-50% होते, दोनों 50-50% होते, तो एग्जैक्टली जो एवरेज आता वो कहां आता, एग्जैक्टली मिडल में, ठीक है, तो एवरेज यहां पे आता, ये A है, ये A+1 आता अगर दोनों 50-50 होते, पर एवरेज आके कहां आया यहां पे A, इट मींस इसका पलड़ा भारी है, तो 4 पॉइंट में से ये उसकी तरफ है 1 part, ये 3, तो ऑब्वियसली 1:3 की रेशियो में होंगे वो, तो 1:3 की रेशियो में होंगे बेटा, तो 25-75 की रेशियो में होंगे, सिंपल सा फंडा है। तो आप ऐसे भी दिमाग लगा के इसको कर सकते हो, बट ये जो फंडे हैं ये धीरे धीरे खुद डेवलप होते हैं, इट इज नॉट समथिंग कि बुक में लिखा होगा, ये कॉमन सेंस से आता है कि यार इसको ऐसे भी तो मैं कर सकता था, बट वो तब आएगा जब आपने एक बार प्रॉपर मेथड से आंसर निकाल लिया है, फिर आपको लगेगा यार ये भी तो कर सकते थे उसमें। ठीक है, तो शॉर्टकट वो नहीं होते जो बुक्स में लिखे होते हैं, शॉर्टकट वो होता है जो आपको पूरा सॉल्यूशन आता है और फिर आपने रियलाइज किया कि आई कैन रिमूव दीज स्टेप्स, दीज आर अननेसेसरी स्टेप्स, देन इट बिकम्स अ शॉर्टकट, कि यार मैं ऐसे डायरेक्टली भी तो रिलेट कर सकता हूं। ठीक है, तो शॉर्टकट अपने होते हैं, कॉपी नहीं होते किसी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ये लंबा क्वेश्चन है, प्लीज रीड इट फर्स्ट केयरफुली। ठीक है, सब्जेक्टिव इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि बिना सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव का फ्लो नहीं आता, सब्जेक्टिव में कमांड चाहिए, स्टेप बाय स्टेप एक्यूरेसी चाहिए, ओनली देन यू कैन ट्रांसलेट इनटू अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, देखिए 1 ग्राम KClO3 हीट किया अंडर सच कंडीशन कि अ पार्ट ऑफ इट, उसमें से थोड़ा सा 1 ग्राम में से थोड़ा सा डिकम्पोज कैसे हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, 2 KClO3 गिव्स यू 2 KCl + 3O2 एंड द रिमेनिंग 1 ग्राम में से थोड़ा सा ऐसे डिकम्पोज हुआ, बाकी का जो बचा वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिकम्पोज हुआ। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस है जिनके अकॉर्डिंग वो डिकम्पोज हो रहा है। इफ द ऑक्सीजन इवॉल्व वॉज 146.8 ml एट STP, देन कैलकुलेट द परसेंटेज बाय वेट ऑफ KClO4। यस, यहां पे आएगा KClO4 इन द रेसिड्यू। ठीक है, तो बेटा कहानी क्या है, देखो इसको हीट किया तो ये बना, O2 तो उड़ गई, O2 तो गई, रेजिड्यू क्या बचेगा ये,
फिर थोड़ा सा KClO3 ऐसे टूटा, उसमें क्या है ये दोनों ही रेजिड्यू हैं, क्योंकि गैस तो कोई भी नहीं, उड़ेगा तो कोई भी नहीं, तो टोटल रेजिड्यू क्या आया, यहां पर जो KCl बना प्लस यहां जो KCl बना प्लस KClO4, ये आया टोटल रेजिड्यू। इसमें परसेंटेज ऑफ KClO4 निकालनी है। जब किसी की परसेंटेज आप निकालते हो वो क्या होता है, उसका अमाउंट मतलब KClO4 कितना बना, लेट अस से x ग्राम बना, डिवाइड बाय टोटल कितना बचा हुआ था रेजिड्यू इनटू 100, दैट इज अ परसेंटेज। ठीक है, तो लेंथी क्वेश्चन है, चलिए लेट स्टार्ट सॉल्विंग दिस। तो 2KClO3 गिव्स यू 2KCl + 3O2। अब मैंने कहा था ना बैलेंस इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट करके कर सकते हो, तो मोल ऑफ KClO3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मोल ऑफ O2 डिवाइड बाय 3। अब क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट आपको दे रखा है 146.8 ml, तो 146.8 ml में कितने मोल आएंगे, 146.8 डिवाइड बाय 22,400, इतने मोल आएंगे ना। ठीक है, तो मतलब मुझे मोल ऑफ O2 तो पता है, अगर मोल ऑफ O2 मुझे पता है तो आई कैन डायरेक्टली रिलेट विद द मोल ऑफ KClO3, तो यहां से मैंने निकाल दिए मोल ऑफ KClO3। अब देखो दो मोल KClO3 के हैं तो दो ही मोल KCl के भी बन रहे हैं, मतलब जितने मोल KClO3 के आएंगे आंसर में वही होगा मोल ऑफ KCl भी, तो मोल ऑफ KClO3 इज इक्वल टू सॉल्व करने पे 4×10⁻³, वही आ गया मोल ऑफ KCl फॉर्म्ड इन द फर्स्ट रिएक्शन फर्स्ट। ठीक है, तो आई होप ये वाला पार्ट सबको क्लियर होगा। साथ के साथ अगर आपके पास नोटबुक है, नहीं है तो बेटा हर क्लास में नोटबुक होनी चाहिए, साथ के साथ रफ वर्क तो लिखते जाना है, बाद में फेयर नोट्स अलग से बना सकते हो, पर रफ लिखना है, अदरवाइज क्या होगा ना आप उसको मूवी की तरह देखोगे, उसे फंडे क्लियर नहीं होंगे। यू हैव टू सिट डाउन विद अ नोटबुक पेन और लिखना है। ठीक है, आप बोलोगे सर इतना तो लिख नहीं सकते, नहीं रफ पार्ट तो करो, कैलकुलेशन वाला पार्ट तो लिखो, सिक्वेंस बाद में फेयर कर लेना उसको जब नोट्स मिल जाएंगे PDF। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला पार्ट हो गया कि फर्स्ट रिएक्शन में कितने मोल KClO3 गए। अब अगर मोल ऑफ KClO3 गए तो मास ऑफ KClO3 जो फर्स्ट रिएक्शन में कंज्यूम हुआ वो निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, तो ये आ गया 0.526 ग्राम। ठीक है, तो 0.526 ग्राम आ गया, फाइन। तो आई थिंक इतना बात क्लियर है। चलिए अब देखते हैं कि 1 ग्राम में से अगर 0.526 ग्राम इस रिएक्शन में गए तो बाकी का जो बचेगा दैट विल डिकम्पोज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, जो सेकेंड इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग कितना बांट जाएगा, तो मास ऑफ KClO3 डिकम्पोजिंग अकॉर्डिंग टू सेकेंड रिएक्शन इज 1 माइनस दैट अमाउंट, तो आ गया 0.474, और मोल ऑफ KClO3 कितने आ जाएंगे, दैट डिवाइड बाय मोलर मास, आएगी 3.86×10⁻³। अब दूसरी जो इक्वेशन थी उसमें KClO3 से बन रहा था KClO4, वहां पर जब हमने इक्वेशन लगाई तो मोल्स ऑफ KClO3/4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ KClO4/3। इसमें मोल ऑफ KClO3 का डेटा तो मेरे पास है, तो ये वाला डेटा मेरे पास है, मोल ऑफ KClO4 मैं निकाल लूंगा सॉल्व करके, तो मोल ऑफ KClO4 आ गए, मोल आ गए, मोलर मास से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वेट आ गया 0.39 ग्राम। अब दूसरे वाले रिएक्शन में ठीक है क्या बन रहा था, दूसरे रिएक्शन में KCl भी बन रहा था, ठीक है इसके 4 मोल थे तो इसका 1 मोल KCl बन रहा था, फाइन। तो वहां से क्या निकालेंगे हम, टोटल मोल ऑफ KCl पहले रिएक्शन में जो बने वो, सेकेंड में जो बने वो, टोटल। तो ये बने पहले रिएक्शन में, ये बने सेकेंड रिएक्शन में, ये आ गए टोटल मोल ऑफ KCl, मोल के बाद उसका मास निकाल लेंगे 0.37 ग्राम। तो बताओ बेटा परसेंटेज ऑफ KClO4 क्या हुआ, KClO4 का वेट जो है 0.39 ग्राम डिवाइड बाय टोटल रेजिड्यू KClO4 प्लस KCl, तो ये आ गया KClO4, ये आ गया टोटल KCl इंटू 100, दैट इज 49.8%। अब इस क्वेश्चन को बाद में आराम से डिटेल में सॉल्व कर लेना, देख अच्छा क्वेश्चन था ठीक है इसलिए मैंने करवाया, थोड़ा इतना लेंथी क्वेश्चन में मुझे पता है स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं और भाग जाते हैं, ठीक है तो मैंने वो रिस्क लिया बिकॉज मेरा टारगेट यहां पे आप लोगों को जस्ट चिपका के रखने का नहीं है, आई वांट यू गाइस टू सी कि प्रेपरेशन कैसे होती है, सब्जेक्ट जिस तरीके से पढ़ना होता है वो उसी तरीके से पढ़ना होता है, ठीक है देयर इज नो इजी वे आउट। अगर आपको इजी करके कुछ चाहिए, सब कुछ जुगाड़ में शॉर्टकट में चाहिए, तो आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू क्रैक JEE। ठीक है, तो लेंथी क्वेश्चन भी रहेंगे
और आपको उन पर फोकस करके उनसे सीखना है स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग मेथडोलॉजी. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेपर डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग NO2 एंड N2O4 इज 38.3 एट 27 डिग्री सेल्सियस. कैलकुलेट द मोल ऑफ NO2 इन 100 ग्राम मिक्सचर. नाउ दैट्स अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन. इसकी लैंग्वेज बहुत गंदी लग रही है, इसको देख के कुछ खास क्लैरिटी नहीं आ रही कि इस क्वेश्चन में करना क्या है. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन अगर आपको पता हो कि वेपर डेंसिटी और मोलर मास के बीच में रिलेशन क्या होता है. देखिए मोलर मास इज एक्चुअली ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी. ये फॉर्मूला एक बार याद कर लो, ठीक है, इसको नोट करके याद कर लो कि मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी. नाउ NO2 प्लस N2O4 का जो मिक्सचर दिया है, ठीक है, वो क्या है 100 ग्राम लेके चल लेते हैं हम, क्योंकि दिया हुआ है 100 ग्राम मिक्सचर. तो 100 ग्राम में x ग्राम हमने मान लिया NO2, तो 100 माइनस x आ गया N2O4. तो अगर x ग्राम है तो उसके नंबर ऑफ मोल भी निकल जाएंगे, x डिवाइडेड मोलर मास ऑफ NO2. 100 माइनस x है तो उसके नंबर ऑफ मोल निकल जाएंगे 100 माइनस x अपॉन मोलर मास ऑफ N2O4. और क्या बोला इन्होंने, दैट इज द वेपर डेंसिटी. तो वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मॉलिक्यूलर मास आया. किसका आया? मिक्सचर का. तो मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट आ गया ट्वाइस ऑफ 38.3. बस ये सॉल्व करना था, ठीक है, x निकल जाएगा यहां से, तो आई डोंट हैव टू सॉल्व इट फर्दर. आई थिंक यहां तक का पार्ट क्लियर हो जाना चाहिए, राइट. ओके दर्शना, बायो भी पढ़ाओ. बेटा बायो मुझे आती होती तो मैं इंजीनियर क्यों बनता, ठीक है, नहीं मतलब इंजीनियरिंग मुझे पसंद थी तो मैं इसीलिए बना. बट या संजीव इज आस्किंग सर आई वांट टू ड्रॉप दिस ईयर, व्हाट इज योर एडवाइस. अगेन बेटा देखो, अगर आपका स्कोर अच्छा था ना इस साल, आपको लग रहा थोड़ा और इंप्रूव करके आई कैन गेट इन टू द गुड कॉलेज, तब तो करो. बट अगर अच्छा नहीं था तो बहुत मुश्किल होता है ड्रॉप करने का, स्कोर को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाना. ऐसा नहीं होता आप 100 पे थे और आप डायरेक्टली 200 प्लस पे चले जाओगे, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है. अगर आपको लगा कि थोड़ा सा रह गया था, दैट कैन बी कवर्ड. एक साल लगता बहुत ज्यादा है पर होता नहीं है उतना ज्यादा वो, ठीक है. तो थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि मार्जिन से रह गए हो तब कर लो, अगर ज्यादा है तो आई डोंट लाइक एडवाइस कि आप ऐसा करो, ठीक है. यस चिराग, दैट वॉज काइंड ऑफ एडवांस लेवल प्रॉब्लम, डेफिनेटली दैट वॉज, ठीक है. यस चिराग, यस यू शुड टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस. ओके तनाकेश्वर, नो प्रॉब्लम बेटा. देखो आप रंजना इज आस्किंग सर कौन सी क्लास के लिए, दिस इज फॉर क्लास 11. हम बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं, दिस इज फॉर क्लास 11, ठीक है. चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट से स्टार्ट करते हैं एंड बिफोर वी गो टू दैट, मतलब आई थिंक मुझे पानी पी लेना चाहिए, बहुत बोलते हो, काफी टाइम हो गया है. चलिए तो लिमिटिंग रिएजेंट पे आई टेल यू सिंपल फंडा, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है. लिमिटिंग रिएजेंट तो डेफिनेशन अगर हम देखी जाए तो ये बोलती है कि वो रिएक्टेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया रिएक्शन में, ठीक है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट. जो लिमिटेड अमाउंट में था, कम था बेचारा, शॉर्टेज थी उसकी, कमी थी हमारे पास, ठीक है, इट वॉज इन शॉर्टेज. So the reactant which is completely consumed in the reaction. But let's try to understand this concept in a interesting way. Want to have a cup of coffee? Lena kya? So we have instant coffee mix. ठीक है? इसके हमारे पास हैं चार सेशे और सबसे पहली बात बेटा जुगाड़ नहीं चलेगा, ठीक है, कि चार का आठ, ठीक है, चार से आठ बना लेंगे, चार से बारह बना लेंगे, वो काम नहीं करना है. चार सेशे से चार ही कप कॉफी बनेगी. नाउ द कप ऑफ मिल्क हमारे पास है टोटल 10, ठीक है, तो दूध की कोई कमी नहीं है, मिल्क हमारे पास सफिशियंट है, पर इंस्टेंट कॉफी मिक्स सैशे वी हैव ओनली हैव 4.
तो मुझे ये बताओ कि विदाउट जुगाड़, ठीक है, विदाउट जुगाड़ कितने कप कॉफी बना सकते हैं? हाउ मेनी कप्स ऑफ कॉफी कैन बी सर्व्ड विद दिस कॉम्बिनेशन? लेट मी नो. यस, somebody is asking some question. Navo sir is teaching on Unacademy. ठीक है, that is your answer. Yeah, so how many cups of coffee? Definitely 4. अब just because आपके पास milk ज्यादा है भाई, इसका मतलब तो नहीं कि coffee बन जाएगी. The moment coffee सेशे खत्म हो गए, बात खत्म होगी, और coffee नहीं बन सकती. Means output किसने decide की? इसने decide नहीं की, इसने decide की, क्योंकि ये खत्म हो गया. ये खत्म हो गया, अब आगे काम रुक जाएगा. अब आपके पास पूरा चाय मतलब टब भर के दूध पड़ा हो, कॉफी नहीं बनेगी, सेशे खत्म हो गए, राइट? तो दिस इज योर लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस केस. तो वो रिएजेंट जो पहले कंज्यूम हो गया और वो खत्म हो गया, तो आगे का रिएक्शन कैसे चलेगा? ठीक है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट. तो लिमिटिंग रिएजेंट में बात करते हैं. देखो, अगर हमारे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स यू 2HCl, ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन है. अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन में हम ये बोलते हैं कि एक मोल हाइड्रोजन का एक मोल क्लोरीन से कंबाइन करके 2 मोल HCl प्रोवाइड कर रहा है. फाइन, ये अगेन मोल के अकॉर्डिंग इसका रिलेशन. सेकंड, इसका हम वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर गैसेस. तो गैसेस को आप वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी रिलेट कर सकते हो कि 1 लीटर कंबाइंड विद 1 लीटर Cl2 टू गिव 2 लीटर ऑफ HCl. अब अगर मास के अकॉर्डिंग देखना हो तो 2 ग्राम, 1 मोल H2 का मास कितना होता है 2 ग्राम, और 1 मोल Cl2 का हो जाएगा 71 ग्राम. तो 2 ग्राम हाइड्रोजन को 71 ग्राम क्लोरीन चाहिए पूरी तरह कंबाइन करने के लिए, एंड दैट विल जनरेट 73 ग्राम ऑफ HCl. ये है बैलेंस्ड इक्वेशन की रिक्वायरमेंट. ठीक है, अब अगर इनमें से रिएक्टेंट में से कोई भी उससे कम दिया हो, जितना मुझे चाहिए उससे कम अमाउंट में दिया है, तो इट विल बी कंज्यूम फर्स्ट, तो दैट विल बी योर लिमिटिंग रिएजेंट. अब इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम, मास के फॉर्म में अगर हमारे को डेटा दिया हुआ है तो हाउ टू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट. देखिए, तो दिस इज द केस, रिएक्शन अपना वही है, H2 प्लस Cl2 गिव्स यू 2HCl. फाइन, तो ये H2 और Cl2 का डाटा दिया हुआ है. गिवन इज 3 मोल, इसके 5 मोल, 2 ग्राम, 80 ग्राम, 100 मॉलिक्यूल, 300 मॉलिक्यूल. इन सभी सिनेरियो में यू हैव टू मेंशन कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन था, हाइड्रोजन था या क्लोरीन था. ओके, तो आई गिव यू 1 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन, जल्दी से ट्राई करो. ओके, लेट मी चेक द कमेंट्स. ठीक है, तो सभी के 4 कप ऑफ कॉफी तो बन ही गए हैं. देन यस निशांत, इज इट दिस इज डेफिनेटली, आप ड्रॉपर हो तो आप रेफर कर सकते हो, बट अभी दिस इज क्लास 11 एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स, तो आई विल बी कवरिंग एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक. अगर आपको बेसिक से कवर करना है तो आप अटेंड करो, अदरवाइज यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड सेशन एट हाई स्पीड. ठीक है, 2x पे देख लो जल्दी जल्दी, जहां पर रेलिवेंट लगे वो वाला पार्ट आप देख सकते हो, और 12th के सेशन तो आप पूरे देख सकते हो. ठीक है, जो फ्राइडे सैटरडे संडे आ रहे हैं. चलिए, तो देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं. देखो, इसके 1 मोल को इसका 1 मोल चाहिए था, तो इसके अगर 3 होंगे तो वहां पर सिर्फ 3 ही रिक्वायर्ड थे, 2 एक्स्ट्रा हैं. या ऐसा समझ लो इसके 5 को यहां 5 चाहिए थे, सिर्फ 3 हैं तो कम है ना. तो जितने आपको बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड थे उससे कम अमाउंट में दिए हैं. तो पहले सिनेरियो में H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, दूसरे में अगर आप देखें 2 ग्राम के साथ जो क्लोरीन था दैट वॉज रिक्वायर्ड 71, 9 ग्राम ये एक्स्ट्रा है. ठीक है, तो मतलब ये तो उतना ही है, पर यहां पे 9 ग्राम एक्स्ट्रा है, तो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट. तो सेकंड में भी हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, इसके 1 मॉलिक्यूल को इसका 1 चाहिए, तो इसके 100 को या 100 ही चाहिए, या 200 मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा है, तो यहां पर भी H2 आएगा, और यहां उल्टा कर दिया तो यहां पर डेफिनेटली Cl2 आ जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट. अब अगर हम वॉल्यूम देखें तो 1 मोल इज 22.4 लीटर, इसका भी 22.4 लीटर. ठीक है, तो अगर इसका 11.2 है तो यहां पर भी 11.2 चाहिए था, डबल है, एक्सेस में दिया हुआ है, तो दैट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, कम अमाउंट में वो, यहां H2 आ गया. 6 ग्राम 340 ग्राम्स, देखो 2 ग्राम को चाहिए था 71,
उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 आ गया, तो 71 को अगर आप 3 से कर लोगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 213। तो 213 से तो ज्यादा अमाउंट दिया नहीं है, 340। तो अगेन यहां पे H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस तरह से आप कर सकते हो, तो वेरी सिंपल। पर लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करने का बेनिफिट और नुकसान दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर मैं इस तरह की प्रॉब्लम को विदाउट लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड किए सॉल्व करता हूं और जो एक्सेस में दिया है उसके अकॉर्डिंग में प्रोडक्ट बना देता हूं, तो मैं प्रोडक्ट ज्यादा बना दूंगा, एक्चुअली उतना बनेगा नहीं, बिकॉज द मोमेंट लिमिटिंग रिएजेंट आपका कंज्यूम हो गया, रिएक्शन विल स्टॉप। तो यू हैव टू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट, इफ देयर इज वन देन यू हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो आई थिंक सबका क्लियर है। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। नाउ टू सपोर्ट दिस, टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ 10 ग्राम ऑफ कार्बन विद 100 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एक्सप्रेस दिस इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो कन्वर्ट करो उसको, कार्बन प्लस क्लोरीन गिव्स यू CCl4, बैलेंस द इक्वेशन। बैलेंस करने के बाद फाइंड द रिलेशन, कितने मोल कार्बन कितने मोल क्लोरीन कितना आपको CCl4 बनेगा। ठीक है, तो जल्दी से करो। और अभी कोई ऐसा तो नहीं जिसे सब्सक्राइब नहीं किया हो, और देखो बुक्स वाला वीडियो आने वाला है, तो आई वॉन्ट यू गाइज टू ब्रिंग मोर एंड मोर एंड मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द सेशन। तो अभी से बताना स्टार्ट कर दो, एक एक बच्चा 5-5-10 बच्चों को बताएगा अपनी क्लास में तो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप सब एक क्लास के तो हो नहीं डेफिनेटली। चलो उसको सॉल्व करते हैं। देखो तो बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग कार्बन प्लस Cl2 गिव्स यू CCl4, ये आ गया। तो रिक्वायर्ड जो मोल हैं, इसके एक मोल को इसके दो मोल चाहिए था कि यहां पे एक मोल बनेगा। ठीक है, अब मुझे देखना है कि ये रिक्वायर्ड रेशियो थी, बट मेरे पास जो गिवन मोल रेशियो है वो कितनी है, 10 ग्राम्स मोल में कन्वर्ट किया, 12 से डिवाइड किया, तो दैट इज 0.833। अब इसके नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, 71 से इसको डिवाइड किया तो आ गया 1.4084। देखो एक को वहां पर दो चाहिए, तो 0.833 को उसके डबल चाहिए होंगे, 1.6 समथिंग चाहिए होंगे, तो डेफिनेटली अमाउंट यहां पे कम है ना, तो क्लोरीन जिस रेशियो में आना चाहिए था उससे कम है, तो दैट इज अवर लिमिटिंग रिएजेंट। ये डिसाइड हो गया। अब कार्बन को भूल जाओ, जो लिमिटिंग रिएजेंट है दैट विल डिसाइड के प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब देखो दो मोल क्लोरीन एक मोल CCl4 बनाता है, तो अगर इतने मोल क्लोरीन है तो इसका एग्जैक्टली हाफ मोल CCl4 बनेगा। ठीक है, तो मोल्स ऑफ CCl4 इज इक्वल टू हाफ इंटू मोल ऑफ क्लोरीन यूज्ड, ये आ गया। और मोल को फिर आप डायरेक्टली वेट में तो कन्वर्ट कर ही सकते हो, तो सॉल्व हो गया ना। तो ये पार्ट था, अगर आपने कार्बन को बेसिस लेके कि इसका एक मोल इसका एक दे रहा है, तो अगर इसके इतने मोल हैं तो उसके इतने बन जाएंगे, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, तो आई थिंक आपका लिमिटिंग रिएजेंट का बेसिक सा आइडिया आपको आ गया होगा। बाकी जब हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते रहेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे, तो इट विल बी फर्दर इन्फोर्स्ड। तो ओके, समबडी इज आस्किंग फुल लेक्चर कैसे मिलेगा। बेटा यही फुल लेक्चर है, इससे ज्यादा क्या चाहिए, एक एक घंटे की क्लास रहती है। मंडे भी रहेगा, ट्यूसडे वेडनेसडे, 3 दिन होंगे, तो हफ्ते में 3 डेज, 11th है, फ्राइडे सैटरडे संडे, 12th है, लाइव है, रोज आओ रोज पढ़ो, एक दिन में जेई करना नहीं, कल एडमिशन लेनी नहीं है। ठीक है, चलो तो आई थिंक द टाइम इज अप। और बाकी मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बता दिया था, इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू लाइक हैव मोर इंटरेक्शन, ज्यादा पर्सनलाइज सेशन चाहिए, डाउट सेशन चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो स्टार्टिंग में इन्फॉर्मेशन दिया था आपको अनअकैडमी प्लस का, तो यू कैन अप्लाई द कोड JEE लाइव एंड गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट, जो भी अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने की सोच रहा है। ठीक है, एंड डू रेफर टू ऑल योर फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट समीर सर का सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो जाके 4-5 मिनट में थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ। ठीक है, पानी पुनी पी लो, खाना खाना है तो प्लेट ले आओ, बट मैथ की क्लास है तो कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, एंड डू टेल योर फ्रेंड्स अबाउट द सेशंस। ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट मैथ्स क्लास। ओके, बाय।